दिस इज स्टार्टेड। आज हम क्या कर रहे हैं अंकित? बोलो। वेबसाइट एनालिसिस कर रहे हैं। ऑन पेज में हम क्या क्या देखते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका डोमेन नेम। जितना पुराना डोमेन होगा उतना ही पुराना हमारे एसक्यू के लिए अच्छा होता है। सेम एज वाइन के लिए आप लोगों ने सुना है। ठीक है, देखो ये कितना है पुराना है, 5 मंथ। तो आप जब भी वो बनाओगे इसके लिए क्या रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनेगी एक क्लाइंट के लिए, वो बना ली हमने वर्ड में। ठीक है, हमने मान लो डाल दिया क्लाइंट का नाम जीके ऑनलाइन टेस्ट एसईओ रिकमेंडेशन रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको खोला। मोस्टली यहाँ जनरली यहाँ पे क्लाइंट का लोगो लगा लेते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो जो हम चेक कर रहे हैं, हमने लिखा डोमेन एज देखा। ठीक है, वो क्या था, 5 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कैनोनिकल इशू। उस दिन हमने आपको जब वो बताया था थ्योरी क्लास में, वो बताया था कैनोनिकल इशू क्या होता है भाई, क्या बताया था ना क्या होता है। हाँ, सुपर हो जाता है ना। हाँ, PHP। अब हम चेक करेंगे कि index.html PHP मतलब ले रहा है नहीं ले रहा है ना। तो मान लो हमने डाला यहाँ पे index.php। सिंपल सा तरीका है, डोमेन के आगे लिख दो। जिसके में क्या हुआ, अपने आप चला गया ना। इस केस में ये होगा, ये कैनरी इशू इसमें नहीं है, क्योंकि जब मैंने index.php डाला तो डोमेन डॉट इन ही खुल गया था। अगर इंडेक्स पे वेबसाइट खुल जाती तब कैनोनिकल इशू होता। अगर डॉट इन की जगह वो कोई एड्रेस आता हाँ यूआरएल हाँ वही आता जो ठीक है, मैं तुम्हें वेबसाइट दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है जिसको कि हम इंदिरापुर में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस वेबसाइट में देखो index.php डालता मैंने। ठीक, खुल गया ना ये यूआरएल में भी, देखो index.php आ गया ये, और वेबसाइट भी वही होम पेज खुल गया। तो ये क्या कहलाएगा, कैनोनिकल इशू। ठीक है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था क्या, 301 कोड लगता है। किसके अंदर लगता है वो? को रिजॉल्व करने के हाँ, लिए 301 बताया था ना, 301 एक 302 दो बताया था रिडायरेक्शन। तो इसमें 301 लगेगा, टेम्परेरी है ना, 301 लगेगा इसमें। और होगा क्या, किसके अंदर लगते हैं ये, डॉट एच टी एक्स एस फाइल के अंदर। फाइल ये आपको अपने उसके अंदर मिल जाएगा, जैसे कि तुम्हारा इसका है, वो है क्या नाम है विक्रांत, जहाँ तुमने ये होस्टिंग लिया उसका याद है कहाँ से लिया है? गोडेडी से ना। तो गोडेडी में डोमेन नेम दिया था, ग्लोबल होस्ट दिया था उसका। होस्टिंग, हाँ ग्लोबल उसका होस्ट पासवर्ड यूजर नेम पता है अभी? देख लेंगे आज तो वाला हूँ। जैसे ग्लोबल होस्ट है, यही है। तो हमने देखा अभी इस वेबसाइट का कि कैनोनिकल इशू नहीं है। उसके बाद हमने आपको बताया था पेजिनेशन इशू। ठीक, पेजिनेशन इशू किस वेबसाइट में मिलती है, ई कॉमर्स या फिर किसी भी वेबसाइट जिसके मल्टीपल, एक सर्विस के मल्टीपल पेजेस हों। इसमें पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस में गया मैं या स्टडीज में किसी में भी गया मैं, इसमें एक ही पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल नहीं है। ये पोस्ट डाली है उन्होंने, वो अलग अलग है। वहीं मान लो हमने क्या बताया था आपको, एग्जाम्पल लिया था मैं किसका, अमेजोन का। ठीक, अमेजोन पे गया मैं, मैंने खोला amazon.in मान लो। ठीक, और मुझे क्या पसंद है, लेने वो।
लेने वो स्मार्ट फोन मान लो मुझे लेना है, ये खुल के आ जाएंगे लेने वो स्मार्टफोन्स। लेकिन ये खुल के नहीं आया क्योंकि हमने कुछ गलत डाल दिया होगा। स्मार्टफोन लेने ये सब फोन्स आ रहे हैं ना। अब इसमें देखो एक से लेके 20 तक ये पेजेस दिखा रहे हैं। आप किसी भी पेज पे जाओगे, मान लो 2 पे गया मैं, 3 पे गया, उसके बाद आपने आपको बोला था उसका सोर्स कोड खोलना। सोर्स कोड कैसे? कंट्रोल प्लस यू के साथ खोला। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, इसमें कैनोनिकल टैग लगा है या नहीं। उसके लिए कंट्रोल एफ करो और कैनोनिकल सर्च कर लो। मैंने सर्च करते देखो मुझे टैग नजर आ गया, ये वाला सेम यही टैग लगाना होता है, ठीक है, हर पेज पे। और पेज का नाम हो, जब मैं पेज 2 पे था ना अभी, तो पेज 2 का लिंक लग रहा है। पेज 3 पे होऊंगा मैं तो पेज 3 का लगेगा, पेज 30 पे रहूंगा तो पेज 30 पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज क्या, मान लो 3 का करके देखो आप, फिर उसका आप सोर्स कोड खोलो। कंट्रोल यू किया, उसके बाद कंट्रोल जी करके हमने देख लिया। देखो यहाँ पेज 3 आ गया होगा, ये पेज 3 आ गया। नहीं, ये देखो यहाँ से पता चल रहा है पेज इक्वल टू 3। तो जिस पेज पे हो आप उसी पेज का यूआरएल लगेगा, ताकि गूगल को ये पता चले कि ये डुप्लीकेट पेज है, ठीक है। अलग कोड में एक ही लाइन लिखना है, वो जो सोर्स कोड में ये वाली लाइन, लिंक इक्वल्स टू ये ना कैनोनिकल एचआरएफ। बस यहाँ तक तो याद रखो, एचआरएफ के बाद वो पेज लगेगा जिसके पे आप काम कर रहे हो। रियल इक्वल्स टू कैनोनिकल एचआरएफ इक्वल टू उस पेज का लिंक, ठीक। तो ये क्या बता रहा है, पेजिनेशन इश्यू। और क्या हमने बोला था आपको चेक करना है, वेबसाइट की स्पीड। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जीटी, जो फिर लगाना हो कोड, अगर ना हो तो कोड गैस लगाएंगे वाला। अब जैसे कि आपका है, आपको इसका वो पता है, एडमिन पता है, डब्ल्यूपी एडमिन, उसको खोलो अभी दिखाते हैं आपको लगाना। वर्ड प्रोसेस है तो डब्ल्यूपी एडमिन, अगर ये मैजेंटो पे तो खाली एडमिन होता, ठीक है। मैजेंटो पे क्या बनता है, ई कॉमर्स वेबसाइट। ऑनलाइन जीके डैश लिखो, यहाँ डाल लूँ ऑनलाइन जीके डैश एक साथ डैश ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अपीयरेंस में जाओगे, अपीयरेंस में एडिटर आ रहा है, मान लो तुमको मेन पेज चेंज करना है तो किसमें चेंज करोगे, यहाँ पे थीम हेडर आता है, वो हमारा होम पेज दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे आप लिंक लगा दो कहीं भी हेडर के बाद। रिकॉर्डिंग है ना ये, ऐसे कोडिंग में आप कहीं भी अपना जहाँ लगाना है आपको अपना लगा देना, ठीक। वो आपको किसी, अगर मान लो कि तुमने जो नए पेजेस बनाए हैं उस पे जाना हो, तो ये तुम्हारा खाली है फ्रंट पेज के लोगे, आपके इनर पेज भी तो है। मान लो ये तुम्हारा पोस्ट पोस्ट है ना, बना इस पे तुम जाओगे एडिट पे और रहे हैं। टेक्स्ट में जाना, विजुअल में नहीं। टेक्स्ट में क्या आ जाएगी इसकी, निंजा फॉर्म में डाला होगा ना इसमें। निंजा फॉर्म क्या कर रहा है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रहा है, ठीक। यहाँ तुम इसका कोडिंग वगैरह कर सकोगे, ठीक है। हर पेज के ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद और क्या चेक करते हैं, स्पीड।
जी टी मैट्रिक्स देखा मैंने, उसमें मैंने वेबसाइट को उठाया, उसका मेन पेज का यूआरएल और मैं डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है? ये पूरा स्कैन कर देगा। ये भी बता देगा कि किस किस वजह से ये वेबसाइट स्लो है। फाइव स्टेप में काम हो रहा है। इनका दिखाया 3.1 सेकंड, उस दिन हमने कितना लिखवाया था, कितने सेकंड, तो उसके बीच में ही है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तुम्हें देखना हो दिक्कतें कहाँ महसूस हो रही हैं तो थोड़ा सा इस वाले पार्ट में, वरना और भी अच्छी होती इनकी, ठीक है? इमेज वगैरह का साइज जो है ना वो बड़ा होता है, ऑप्टिमाइज नहीं है इमेज, बाकी सब सही है, देखो सब 100% है ये, ठीक है? एबीसी कैसे करके ये देता है, एफ मतलब रेड, एफ तब की जाएगा ये, तो ये क्या बता रहा है आपको, जीटी मैट्रिक्स स्पीड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इसको कॉपी करो, ऐसे करके कॉपी किया और जो हम बना रहे थे ना रिपोर्ट वर्ड में, उसमें आप पेस्ट कर दोगे, क्योंकि हमने साइड स्पीड देखा तो ये एरर था, डेवलपर फिर इसको सही कर देगा अपना देख देख के, ठीक? कैनोनिकल इशू में आपके लिखोगे नॉट फाउंड, क्योंकि हमें कैनोनिकल इशू नहीं मिला इसमें, पेजिनेशन भी हमको नहीं मिला, थ्री था हमारा पेजिनेशन, ये भी नॉट फाउंड क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। तो फिर हमने देखा इसका साइड स्पीड, आप लिखोगे क्या, थ्री पॉइंट वन सेकेंड है ना, ये तुम यहाँ आगे क्या लिख दोगे, विच इज गुड टू इम्प्रूव मोर, क्या आप उसको सही करोगे, ठीक है? क्लाइंट क्लाइंट से रिपोर्ट बनाते हैं, फिर हम चेक करेंगे भाई इसको क्या। चलो रोबोट डॉट टीएक्सटी चेक करते हैं उसका, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी है ना, ये किस काम में आता है? हाँ ये मतलब वो गाइड करता है सर्च इंजन को, ना कि यूजर को। तो उसके लिए सिंपल आप जाओगे अपनी वेबसाइट खोलोगे, इसको हटाओ, इसकी जगह लिखो आप स्लैश रोबोट्स। अब ये नाम ने क्या नाम लगाया नहीं होगा, लेकिन इन्होंने वो अब वो अब किया है ना एक्टिवेट प्लगइन, क्या नाम है, योस्ट, उसकी वजह से वो डिफॉल्ट क्रिएट करता है वो, ठीक है? देखो अब इसमें यूजर एजेंट ने क्या दिया इसको, गूगल को डिसअलाउ ने क्या कर दिया, एडमिन, मतलब एडमिन नहीं खुलेगा गूगल पे, ठीक? हाँ ये मतलब बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? सेम ऐसे ही आप रोबोट चेक किया आपने, फिर आप नेक्स्ट चेक करोगे इसका, उसको लगाना आपको, फिर वहीं जाना पड़ेगा अपनी सी पैनल में, ठीक है? इसको दूसरी वेबसाइट पे मैं दिखा दूंगा करके, और उसके बाद हमें मान लो शैट मैप भी देखना है, शैट मैप भी बाय डिफॉल्ट आ जाता है इससे, योस्ट के थ्रू ही बन गया होगा वो। प्रेफर करो कि योस्ट वाला यूज ना करो, दूसरी शैट वाला यूज करना, ठीक? क्योंकि ये देखो सिर्फ चार पांच ही दिखा रहा है, जो हम बनाएंगे वो बहुत अच्छा बनेगा, पूरा डेट वाइज किस डेट को बनाया, ऐसे बना ना, उसके लिए देखो कौन सी साइट यूज करोगे आप, साइट मैप जनरेटर डालो आप, एक ये साइट है एक ये साइट है, ये
इस चैट को प्रेफर करना इस वाले को, ठीक है, xml-sitemapgenerator.org। और यहाँ देखो आपको क्या होगा, वेबसाइट का नाम जाएगा, जैसे कि ये आ गया। ठीक, फिर आप देखोगे आज की डेट किस दिन आप बना रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे कि हमने कब बनाया था। हमने बनाया वैलेंटाइन डे वाले दिन 02-2019। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे गूगल का जो वो है सॉफ्टवेयर कब कब आएगा, डेली आएगा, ईयरली आएगा या नहीं आएगा। आप डेली बुला लो एक बार, ठीक है, प्रायोरिटी जितना मैक्सिमम दोगे इतना अच्छा है। या ईमेल आईडी डाल दो कोई सी भी, gmail.com, और इसका आदि कैप्चा भर दो, ये अपने आप बना के दे देगा। TMM जनरेट करने लग गया है। कुछ सेकंड बाद उसमें ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड योर XML साइट में, HTML साइट में, मतलब काफ़ी सारे साइट में दे देता है। ये देखो आ गया, ये तो हमें अभी सिर्फ इससे मतलब इसको डाउनलोड करना है। और देखो इसने रोबोट फाइल भी बना के हमें दे दी, इसको डाउनलोड कर लो, वो भी बना के दे देता है ये। हाँ, जाके सीपल में जाके लगेंगे, ठीक है, तो जब दूसरी क्लास में हम बता देंगे ये लगाएंगे कैसे। उसके लिए कोई अच्छी सी याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको ना वो होस्टिंग का पासवर्ड वगैरह, वरना अभी हो जाता काम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, अपना XML भी बना लिया और रोबोट्स भी बना लिए किसी भी वेबसाइट के लिए। और उसके बाद हम क्या चेक करते हैं बताओ, हाँ, वैलिडेशन चेक करना करा दे। जैसे कि आपने डाला, उसके लिए एक टूल बताया था हमने आपको, W3C डेटर चेक को बोलते हैं ना, वैलिडेशन चेक। ये आ गया देखो, validator.w3.org। सिंपल अपनी वेबसाइट उठाओ इसको, उठा के तीन तरीके से हो जाता है इसमें देखो, नहीं फाइल और डायरेक्ट कॉपी था इसमें, है ना। देखो इसमें आ गया, तुम्हारे पास मान लो पूरे कोडिंग जो तुमने की है वो तुम्हारे पास है नोटपैड में, यहाँ से अपलोड कर लो बन जाएगी। दूसरा आप उसका कॉपी कर दो कोड को, तो इसमें एक लिमिट होती है, तो आपको 5-6 बार में करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है URL का, इसमें डालो और चेक कर लो। तो इसमें क्या क्या आएगा अंकित, एक वार्निंग आता है और एक एरर। तो एरर को आपको रिमूव करना है, वार्निंग को, ये जो वार्निंग आ रही है ना सब इग्नोर कर सकते हो। जो एक एरर मिली मुझे, ये बता भी देगा किस लाइन पे है, किस कॉलम में है, क्या एरर है, ठीक है। HREF जो इन्होंने लगाया है, हमारी मिस्टेक नहीं है, जो थीम जो डिजाइनर ने कुछ लगाया होगा उसका दिक्कत है। पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही एरर मिला, बाकी नहीं, ठीक। वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, सिंपल सा। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, और कंटेंट डुप्लीकेसी, उसके लिए हमने क्या बताया था, कॉपी स्केप में चेक कर लो, किसमें, ये ना प्लीग्रिमेज चेकर टूल है। लिंक उठाया हमने होम पेज का,
मारा और गो किया। कुछ उन्होंने दिया होगा, देखो बाई गारंटीड एसयू बुक इन्होंने दिया होगा ना, ये अमेजोन का लिंक दिया होगा, वहाँ से ये कंटेंट डुप्लीकेट बता रहा है, ठीक है ना, एक ही लिंक है ये, कुछ अमेजोन से उठा रहा है कंटेंट, ठीक है, अमेजोन से बता रहा है कि उठाया है, बाकी तो तुम्हारा यूनिक है। आप किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हो डुप्लीकेट कितना है, जिस जिस वेबसाइट से तुमने उठाया होगा उनकी लिस्ट आ जाएगी, जैसे अमेजोन आया ना, यहाँ पे और भी वेबसाइट आ जाते हैं। जैसे तुम अपने किसी क्लाइंट का चेक करो, जैसे कि हमारा एक क्लाइंट के नाम है का, चेक करके देखो तुम्हें, इनका क्या चल रहा है, चेक करने के लिए आपको क्या हो रहा है, ये किया और जी देखो इस वेबसाइट जो विक्रांत वाली, इसमें क्या है टाइटल नहीं लगा ना अभी तक, ब्लैंक आ रही है होम पेज पे, टाइटल नहीं है तुम्हारा, बहुत जरूरी हो तो। टाइटल लगाने के लिए आपने क्या किया, योज डाउनलोड कर लिया, जैसे कि जो ऑफ पेज कर रहे हैं हम लोग है ना, वो मोस्टली कंटेंट यहीं से वेबसाइट से उठा के कर रहे होंगे शायद, इसलिए अपने ही लिंक आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि इसका कंटेंट कहीं उठाए ना, ठीक है मंसू भाई, जो भी ट्रेंड पे कर रहा है उन्होंने कंटेंट उठाया, देखो स्लाइड शेयर स्लाइड शेयर स्लाइड शेयर स्लाइड शेयर, मतलब वेबसाइट से थोड़ा चुरा लेते ना हम लोग, वो भी बता देगा कितना परसेंट चुराया है तुमने, यहाँ चुराया और क्लिनिक की सिचुएशन फ्रॉम दिस एरिया 50%, और छोटा कंटेंट है तो आप क्या करोगे, सिंपल साइज मान लो इतना यही तो चुरा लिया है, अपनी साइड करने में भी प्रॉब्लम डुप्लीकेसी हो रही है ना भाई, नहीं नहीं वेबसाइट में लिखा है, ये तो वेबसाइट का है, इसको हमने पीपीटी बनाई हुई तब कॉपी करके डाल दिया है, बोल रहा हूँ सेम एज इट इज, हमें सिर्फ ये कॉन्टेक्ट डिटेल उठानी है, बाकी वेबसाइट से कंटेंट कुछ नहीं उठाना, हम बात करेंगे हम डुप्लीकेसी रिमूव करेंगे, यहाँ देखा हमने खुद डुप्लीकेसी कर दी। जो हम अपने उस पर कर रहे हैं पीपीटी बना रहे हैं तो कोई कोई एवाइस जैसे हम कोई पीपीटी बना रहे हैं तो हम इसमें जो उठा रहे हैं तो इसकी वेबसाइट को नुकसान होगा इस चीज से, नुकसान होगा ना यार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ऑन पेज में डुप्लीकेसी हटाओ, और ऑफ पेज में हम खुद ही डुप्लीकेसी, हाँ और हम ऑफ पेज में हम खुद ही डुप्लीकेसी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जैसे कंटेंट लगाना है तो आपने उसके योस्ट लगा लिया ना तुमने, तुम्हारे इसमें पेज नहीं है तो तुम कहाँ जाओगे, सेटिंग में जनरल, ये ब्लैंक है ना सेट टाइटल, ये इस वजह से वो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। यहाँ डालो ऑनलाइन जीके टेस्ट, ठीक है, यहाँ क्या डालोगे, लर्न जीके, उसको अपडेट कर दो, ध्यान रखना है। सेटिंग में लगे हैं जनरल, हाँ ये सिर्फ ब्लॉगिंग के केस में, नॉर्मल वेबसाइट में क्या होता है, इसमें पेज बना होता है एक होम पेज का, फ्रंट पेज के नाम से होता है वो, यह पेज के आगे लिखा होगा फ्रंट पेज, वो तुम्हारा होम पेज होता है वो, ठीक है, ये आ गया ना, ये ब्लैंक से, ये केस सिर्फ ब्लॉगिंग केस में, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट में एक एक में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है मंसूर। और क्या चेक करते हैं हम, गूगल साइट में गूगल साइट में हमने चेक कर लिया,
अच्छा, हमने एनालिटिक्स लगाया नहीं लगाया वो चेक करना है ना किसी वेबसाइट में। तो आप क्या करने बोला था मैंने आपको, मान लो ट्रेंड का भी चेक करना है, एनालिटिक्स लगाया नहीं लगाया, तो आप क्या करोगे उसका कंट्रोल यू किया प्लस उसके बाद सर्च करोगे इसमें क्या गूगल साइट लगाया इसका। गूगल साइट वेरिफिकेशन क्या बताता है, देख गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है और गूगल डैश साइट बताया था मैंने आपको, ये क्या बता रहा है आप में वो भी मैं वेब मास्टर भी लगा हुआ है। तो याद रखना है ये ना लगे हो तो कैसे लगाओगे वो, उसके लिए ना एक फ्रेश साइट लेके हम करेंगे, इसलिए मैंने अंकित से बोला था कि एक साइट डोमेन ले ले जिस पे कि हम फ्रेश पूरा काम करेंगे, एक चीज प्रैक्टिकली करेंगे ना समझ में आएगा। इसमें बहुत सी चीज लगी हुई है तो हम बस देख रहे हैं फिलहाल, तो ना एनालिसिस किया कि इसमें है या नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी बैठेंगे ना क्या करेंगे, एक डोमेन ले लेंगे, एक ऐसी डमी सी साइट बनाएंगे, उस पर हम फिर काम करेंगे। ठीक है अंकित, तो क्या होगा सीखने का भी मौका मिल जाएगा। अच्छा, अब डोमेनेज का चेकर का वैल्यू क्या है, तुमको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था इसका, हम कर क्यों रहे हैं, हमें क्या फायदा मिला, हमने लिख लिया ये आगे। नहीं जितना पुराना होगा उतना ही कैलरी हाँ वो वैल्यू रखता है ना, रखता और क्या रखता है वैल्यू, इसका मतलब क्या नया है तो बंदा वो और इश्यू करेगा तो आएगी नहीं रहेगा, आएगी आएगी ना। लेकिन और इसका बेनिफिट क्या है, मान लो कि कंटेंट चुराने वाली जो बात आती है कॉपी स्कैम में, ठीक है आपने डाला और वहाँ स्लाइड शेयर की जगह कोई और वेबसाइट आ रही होती है, कोई और सा डॉक्टर का नाम आ रहा होता है, अभी डॉक्टर उपेंद्र ठिंट की जगह मान लो डॉक्टर हिमांशु आ रहे हैं, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों का डोमेन चेक करूँगा, हिमांशु का भी और अपना भी, फिर मुझे पता चल जाएगी पुराना किसका है, ये 10 साल से इसने वेबसाइट चला रहा है, मैं 5 साल से, तो लेमैन को पता लग जाएगा, जो बंदा पहले आया कंटेंट उसने लिखवाया होगा, जो बाद में आया वो बाद में लिखेगा ना, तो इसका मतलब मैंने कॉपी कर लिया। हमने कराया कॉपी, साइट पे भी दिखाया कि आपने कॉपी कर। हाँ, तो वो क्लेम करने कर सकता है वो बंदा जो पुराना लोग बंदा है कि आपने मेरी साइट से कंटेंट कॉपी किया, उसको हटा दो। चलो बाद में कॉपीराइट के इशू तो बैठ के शुरू कर सकता है, फिर वैसे भी वो कह सकता है। ठीक है, तो वेबसाइट का तो मतलब डोमेन में ज्यादा है, कंटेंट तो बाद में तैयार कर सकते हैं फिर हाँ किसी का नए वाले के ट्रायल के लिए, फिर हाँ तो वो कर लेगा, लेकिन जिसका बेनिफिट उसी को मिलेगा यार पुराने वाले को। पुराना होता है उसको ज्यादा पैसे। उस केस में आप कुछ कह नहीं सकते, या फिर तुम्हारे पास उसका कॉपीराइट हो, अगर कॉपीराइट नहीं है तो उस केस में जिसका पुराना वाला ही वैलिड बना जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि पुराना वाला जो आपसे कह सकता है कि भाई इस कंटेंट को हटा दो, उन्होंने मेरा चुरा लिया है, डन। तो ये कारण है डोमेनेज देखने का। दूसरा ठीक है, और फिर देखते हैं हम कि ये एक हमें नेविगेशन बताया था, ब्रेड क्रम नेविगेशन बताया था, ब्रेड क्रम नेविगेशन है ना, उसमें क्या होता है कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उसके रिलेटेड पेज बनने चाहिए। मान लो कि करंट अफेयर्स में गया मैं तो करंट अफेयर्स के ही टॉपिक आने चाहिए, ऐसा ना हो कि क्विज वाला इसके अंदर आ जाए, इंटरलिंकिंग खराब हो जाएगी ना। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, इंटरलिंक कैसा है आपका। दूसरा हम चेक करते हैं आपका यूआरएल कैसा है, तुम्हारा यूआरएल सही आ रहा है। अब मान लो बाय डिफॉल्ट जब डोमेन बनती है वेबसाइट है, वर्डप्रेस में भी क्या आता है देखो बताता हूँ आपको, सेटिंग में जाओगे, मैंने आपको बताया था परमालिंक बताया था उस दिन, लिखवाया था ना, जब हम प्लेन होता है बाय डिफॉल्ट, क्या होता है भाई प्लेन, इसको तुम सेव कर दो, जब कोई फ्रेश साइट बनाओगे तुम इस तरीके से होगा, मेरी साइट ये है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या जनरल एक्सरसाइज में, ये देखो क्या आ रहा है, उसने एग्जांपल मैंने ये दिया था ना आपको, डोमेन कैसा बन रहा है, एट द रेट क्वेश्चन मार्क कैट इक्वल टू 15, मतलब ये 15वां पेज था जो हमने बनाया है। अब यूआरएल से पता चलेगा ये कि ये जनरल साइंस को रिप्रेजेंट करता है, पता चल रहा है नहीं, पता चल रहा है ना, क्योंकि क्या पता कैट 15 जनरल साइंस है या वो क्विज का पेज है या जीके है, क्या है हमें नहीं पता। यही कारण है कि हम उसका नाम सही करते हैं, क्योंकि गूगल रैंक किसके बेसिस पे दे रहा है आपका, यूआरएल, कम में भी नाम होना चाहिए कीवर्ड का, टाइटल भी होना चाहिए और
एच वन में भी रिलेवेंट होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए एच वन में, एच टैग का जो एच वन होगा उसमें रिलेवेंट होगा, मैच नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या रखा इसका पोस्ट नेम, ताकि हम जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उसके नाम से उसके नाम से आ जाए। आ गया नहीं? अब इसको बंदा पेज खुलने से पहले बता देगा कि इसमें क्या मिलने वाला है मुझे अंदर, ठीक है, तो बंदे का टाइम वेस्ट नहीं होगा और गूगल के लिए भी रैंक में भी हेल्प कर रही है, दोनों के लिए बेनिफिट है, यूजर के लिए भी और गूगल के लिए भी। ठीक है, तो ये बेनिफिट हुआ, हमने यूआरएल चेकिंग भी टॉपिक लिखाया था, है ना, यूआरएल आप चेक करते हो, एच और एच वन भी हमने बताए थे, और एच वन हमने क्या बताया था आपको कि एक एच पर ही ओनली लिखा होगा। हमने पहले देखा एच टैग्स कितने लगे, कंट्रोल यू किया हमने, लिखा हमने कंट्रोल एफ एच वन, नहीं है इसमें, अगर मौका मिले तो लगा सकते हो, एच टू है, ठीक है, एच टू कितने हैं बतेरे हैं, हमने कितना बताया था आपको, एक दो दो बताया हमने, शायद ना एक बताया, एक बताया थे, बहुत सारे लेकिन हाँ इन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इनकी क्या है ब्लॉगिंग की साइट है, ये पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से, न वेबसाइट होता तो हम यही फॉलो करते, जो हमने पढ़ा था कि एक एच टू और एच टू भी एक ही होना चाहिए, बाकी एच थ्री से एच सिक्स तुम्हारे अकॉर्डिंग ना नीट के हिसाब से। ये जो अभी हम देख रहे थे कि जीके के अंदर जीके वाले ब्रेड क्रम होने का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर आप कैटेगरी में हो उन्हीं के पेजेज आने चाहिए, ऐसा ना हो गलती से जीके का पेज इसके अंदर आ जाए और इसका पेज इसके अंदर आ जाए। ठीक, तो ये सब चेक आप वन टाइम एक्टिविटी है ना ऑन पेज की, तो सारा चेक करोगे आप। ठीक है, फुटर कैसा है आपका, यहाँ आना चाहिए ना कि आपने कैसे क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, ये ब्लैंक है तो इसको फिल करो। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश डोमेन लेके उस पर काम करेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, और जो भी टॉपिक रह गया होगा वो कवर कर लेंगे।